ठीक है बच्चों, तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी का, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना है सभी लोगों को। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर अपन इसको तोड़ें तो आपको यहां से एक तो मिलेगा ट्रिगोन और एक मिलेगा मेट्रॉन। ट्रिगोन मेट्रॉन, यहां पे ट्राई जो शब्द है वो तीन को डिनोट करता है और यहां पे ट्रिगोन देखे तो तीन साइड का फिगर क्या होता है, क्लोज फिगर, ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोन है वो डिनोट करता है ट्रायंगल को और मेट्रॉन जो है वो डिनोट कर रहा है मेजरमेंट को। यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। ट्रायंगल सब लोग आप जानते हो, तीन साइड का क्लोज्ड फिगर होता है और जिसमें कि तीन एंगल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। तो यानी कि बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन क्या होता है ट्रायंगल में, साइड्स एंड एंगल्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स नहीं पढ़ने हैं हमें यहाँ पे, हमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। यानी कि हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल सब लोग जानते होंगे, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये मैंने आपके सामने एक बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल डी। क्यों, क्योंकि इसमें हम इन तीनों साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी साइड क्या है। सब लोगों को मालूम होगा 90 के सामने जो साइड होती है, या बोलते हैं जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब बाकी की ये दो जो साइड्स बची इनमें से एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे करें कौन सी बेस कौन सी परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर हम तो बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये नीचे वाली साइड बेस हो गई और ये भी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई, है ना, यही मन में आया होगा सबसे पहले, सही है। लेकिन देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ये जो साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशन पढ़ना है, तो साइड्स की रिलेशन एंगल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको परपेंडिकुलर बोला, इसको बेस बोला, ये कैसे हुआ, क्योंकि आप एंगल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, या बोल सकते हो यहाँ पे आप यहाँ से इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये आपको परपेंडिकुलर और ये इसको आपकी बेस दिखेगी। कहने का मतलब अगर आपका एंगल यहाँ पर है, मान लो मैंने इसको थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है, थीटा कुछ नहीं एंगल का नाम दे दिया अपन ने, थीटा केवल, अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा से डिनोट कर देता हूँ तो अब थीटा के सामने जो साइड है जस्ट अपोजिट, थीटा के जस्ट सामने जो साइड है ये बन जाती है आपकी परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर बन गई तो बची हुई साइड तो आपकी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, बची हुई साइड आपकी कहलाएगी बेस, ठीक है। अब मान लो कि मैं दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, मैंने ये दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सेम नेमिंग दे दी मैंने इसको एबीसी, इसको घुमाया नहीं मैंने, सीधा ऐसे ही ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये तो फिक्स है 90 के सामने जो साइड होगी हाइपोटेन्यूस ही होनी है। अब बेस और परपेंडिकुलर, तो अगर आपका थीटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मान लो आप ट्रायंगल को अब यहाँ से देख रहे हो, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो आपकी हमेशा होगी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी, बची हुई साइड आपकी हो जाएगी बेस, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, चाहो तो आप एक नोट लगा के लिख लेना, एक नोट लिख लेना अपनी देसी भाषा में, थीटा या एंगल भी लिख सकते हो आप, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है सबको मालूम होगा, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थीटा बस यही आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी लेना है और बेस कौन सी लेना है, हाइपोटेन्यूस तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी फिक्स होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको एक नोट लगा के लिखवा दिया कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्लियर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे मेन पहले टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए रेशियोज आप सब लोग जानते हो, रेशियोज क्या होते हैं, जैसे कि 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे आपको दे देते दो एंगल्स का रेशियो दिया हो, एक एग्जांपल तौर पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे आपसे बोला कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो 2:3 है, तो हम लोग क्या करते थे, एंगल ए को 2x मान लिया, बी को 3x मान लिया, रेशियो का मतलब ए अपॉन बी, यही होता है ना रेशियो 2:3, ठीक है रेशियो, ये आपका सिंपल जो रेशियो हम पढ़ते हुए हैं वही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो पढ़नी है। तो देखिए जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कोई भी, मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लो ए बी सी ही इसका नाम है, ठीक है, ये है आपका थीटा, थीटा के सामने आपकी साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी आपकी बेस, और हाइपोटेन्यूस सब लोगों को मालूम है, राइट 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे। तो अब देखो इन तीन साइड्स में कितने रेशो बन सकते हैं, दो साइड्स के कितने रेशो बन सकते हैं, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन तीन साइड से अगर लेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे तो आपके 6 रेशोज बन सकते हैं। वो 6 रेशो कौन कौन से हो सकते हैं साइड्स में, देखो एक रेशो हो सकता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मतलब इस साइड का इस साइड से रेशो बना सकते हो आप, तो ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक रेशो ये बन सकता है। दूसरा रेशो कौन सा बन सकता है आपका, आप बेस ले लो, बेस के अपॉन में हाइपोटेनियस ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा रेशो बन गया हमारा। तीसरा रेशो कौन सा बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीन से सारी साइड्स आ गई और तीन रेशो बन गए, आप बोलोगे तीन ही बने, तीन और बन सकते हैं, तीन इनके रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है, यानी कि एक रेशो आपका बन सकता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, अगला बन सकता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एक इसका रेसिप्रोकल हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आपके ये 6 रेशो बन सकते हैं, ठीक। अब ये 6 रेशो होते क्या है, जिनको इनको हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलेंगे, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जब भी इन दो साइड्स का रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, इसको हम बोलते हैं साइन, SINE साइन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको साइन नहीं लिखा जाता, इसको लिखते हैं, इसको लिखा जाता है SIN, सिन मत पढ़ना, इसको साइन ही पढ़ा जाता है साइन, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, एंगल्स में बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि साइन अकेला कुछ नहीं होता, साइन इज नथिंग जब तक इसके साथ एंगल नहीं लगेगा, एंगल क्या माना है हमने, थीटा, ठीक है, इसी से तो साइड्स क्लियर होंगी आपकी कौन सी साइड्स हैं ट्रायंगल में, तो साइन थीटा का जो रेशो बनता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, या जब भी कहीं भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो हम उसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। दूसरा जो हमारा रेशो बनता है वो बनता है कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन हम इसको नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं केवल इसके शुरू के तीन लेटर्स कॉस, और थोड़ा थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉस अकेला कुछ नहीं होता, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे टेन, टेन और साथ में लगाएंगे थीटा, तो टेन थीटा आपको बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके तीन मेन रेशोज हो गए, बाकी के तीन जो रेशोज है इन्हीं के रेसिप्रोकल है, जैसे कि साइन, यहाँ पे देखो साइन है अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है कोसेक, कोसेक थीटा, या पूरा नाम अगर देखना है तो पूरा नाम इसका बनता है, कर लेते हैं कोसेकेंट, पूरा नाम इसका बनता है कोसेकेंट, कोसेकेंट के शुरू के ये पांच कोसेक, यहां से बन गया आपका कोसेक थीटा। अगला रेशो आप चाहो तो ऐसे एरो बना लेना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कोसेक, ये आगे भी काम में आने वाले हैं हमें कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ। अगला जो रेशो है वो है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको बोला जाता है सेक थीटा, सेक थीटा, और अगर इसका भी पूरा नाम लिखना है तो ये आपका कहलाता है सीकेंट, SECANT, ये कहलाता है आपका सीकेंट, ठीक है। और लास्ट जो आपका रेशो है ये होता है टेन का उल्टा, ये जो सेक है किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है,
और जो टेन का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल रेशियो है कॉट थीटा, और इसको अगर पूरा नाम लिखना है तो ये कहलाता है आपका कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये आपके छह रेशियोज होते हैं, छह के छह रेशियोज आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट जो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इनको याद करने की कोई ट्रिक बता दो, वैसे तो करते करते याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो मैं लिखूंगा नहीं पूरी, आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है, देखिए पी एच बी ये तीन चीज़ें यूज हो रही हैं, तो पी से देखना, पंडित पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके छः के छः रेशियो बन गए। किस तरीके से देखिए, ये आपके छः के छः रेशियो निकल के आ गए। पहला रेशियो क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मिल गया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशियो क्या था, कॉस, ये मिल गया आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा रेशियो क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मिल गया आपको तीसरा रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, यानी कि पहला डिनोट कर रहा है आपका साइन थीटा, दूसरा रेशियो डिनोट कर रहा है आपका कॉस थीटा, और ये तीसरा डिनोट कर रहा है आपको टेन थीटा। अब बोलोगे सर बाकी के तीन, अरे बाकी के तीन इनको तो उल्टा पढ़ लो, बाकी के तीन रेशियोज आ गए आपको, है ना। अगर नीचे से पढ़ेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये आ गया आपका सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आ गया आपका कॉट थीटा। बताइए समझ में आया, एक और सुन लो, अभी क्या बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और देख लो शायद ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है सही है, और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लो, जैसे चाहो वैसे रेशोज को याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपके छह के छह रेशोज हो गए जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है।